स्टार्ट तो करो। चलिए सर, अब एक थोड़ी सी आप अपनी ओवरऑल स्ट्रेटेजी पे प्रकाश डालिए, फिर आपके मन की बात भी पूछूंगा कुछ सर की, वो किससे भी सुनेंगे, टेंशन मत लीजिए, सारी आज अपने पास पूरी खजानी है। जी सर, सर ओवरऑल स्ट्रेटेजी तो सर यही रही कि सर रेगुलरिटी मस्ट है सर, जो अभी आपने कहा सर। शुरू में आपको लगेगा कि मैं सीख नहीं रहा हूँ चीजें, शुरू में आपका मनोबल भी टूटता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर पता क्या होता है, जैसे हम घर से निकलते हैं, घर से निकलते हुए माइंड सेटअप कुछ और होता है, घर से निकलते हुए हौसले बुलंद होते हैं। एक आदमी जब घर से प्रेरणा लेकर निकलता है कि मैं तैयारी करूंगा, या फिर हम घर में बैठ के सोचते भी हैं, सोचने में जब हम तैयारी करते हैं जो जोश होता है वो बहुत हाई होता है, पर जैसे ही एक महीना बीतता है जोश थोड़ा सा ठंडा पड़ने लगता है, फिर जैसे दो महीने होते हैं जोश और ठंडा पड़ने लगता है, आदमी कहता है नहीं यार ये बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो पाएगा यार, मैं इसको नहीं कर पा रहा हूं। बट मैं यही कहना चाहता हूं कि आप ही क्या, कोई भी कर सकता है, जब मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि यार मैं भी तो एक मिडिल स्टूडेंट ही रहा, एक एवरेज स्टूडेंट ही तो रहा था, बस एक कंटिन्यूटी मस्ट है। अगर आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, अगर आप रेगुलर चीजों को कर रहे हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और सर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है वो मॉक टेस्ट रहता है, जो प्रैक्टिस सेशन आप प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट आप लगाइए, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालिसिस कीजिए कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, मैं कहाँ पे कमजोर पड़ रहा हूँ, उस कमजोरी को दूर करो, मतलब बार बार प्रयास करो और उस कमजोरी को ही दूर करो, बस कि मैं कहाँ पे कमजोर हो रहा हूँ, धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने लगेगा और आप सीख जाओगे। मॉक टेस्ट कई बच्चे इसलिए नहीं लगाते कि पहले सिलेबस कंप्लीट होगा मैं तब लगाऊंगा, अरे सिलेबस तो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा ऐसा लगता है कि वो दो टॉपिक रह गए हैं, वो चार टॉपिक रह गए हैं। अगर आपने 10 टॉपिक भी पढ़ लिए हैं तो भी आप आज से मॉक टेस्ट लगा लें, आपका मतलब पक्का श्योर है ये सिलेक्शन होगा ही होगा, कोई आपको रोक नहीं सकता, अगर आप मॉक टेस्ट रेगुलर लगा रहे हैं और रेगुलर प्रैक्टिस रेगुलरली बनाए रखें, मतलब बस ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। चलिए बहुत अच्छे, तो सर आप जैसे, चलिए तो बहुत ही अच्छी बात है, अब थोड़ा सा आपके उसके बारे में जान लेते हैं कि मतलब कि कॉलेज के कुछ किस्से बच्चों के साथ अगर आप साझा करना चाहें, स्कूल के कुछ किस्से, स्कूल कॉलेज दोनों के अगर किस्से हो तो वो भी, उसके बाद के भी अगर मतलब, और फिर आगे की वो कब मतलब वो दावत वावत खिला रहे हो उसकी भी पूरी थोड़ी सी, उसका मतलब अलग ही एक स्वयं होता है। सर हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ पल तो ऐसे होते ही हैं, बट ये कि ये मैंने ये सब इन सब चीज़ों से ये सब सीखा सर कि अगर आप सक्सेस होने के बाद कुछ अलग करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा सर, मतलब कि आप अपनी लाइफ में पहले सक्सेस हो जाएं, फिर उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, मस्ती करो, मस्ती चाहे फिर आप कुछ भी एंजॉय कीजिए, वो तुम इनडायरेक्टली अलग पैटर्न है, तुम इनडायरेक्टली वो रीजनिंग में कहते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस ले लेना अपने आप ही, क्योंकि अगर आप पहले मस्ती में पड़ जाओगे तो वो चीज पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस टारगेट को अचीव करना, क्योंकि वो चीजें माइंड को बहुत डाइवर्ट करती हैं सर कहीं ना कहीं ले जाके, क्योंकि उनकी टेंशन आपकी टेंशन, आपकी टेंशन उनकी टेंशन, टेंशन का एक पुलिंदा बन जाता है सर। वो तो मुझे लगे टेंशन ही टेंशन है, क्या उसमें या पढ़े आदमी इतना ज्यादा क्यों पढ़ रहे हो, अरे पढ़ू ना क्या करूं, डांस करूं, अरे कहां लेके जाओगे, कहां क्या, ये सब चलता है। फिर देखो, फिर तुम पढ़ाई करते हो, इधर सरस्वती मैया समय मांग रही है, उधर फिर तुम्हें भैया देवी मैया समय मांग रही है, अब समय तो उतना ही है, अब समय दोगे कहाँ, सरस्वती मैया दोगे तो भैया देवी मैया रूठ गई, और देवी मैया को दोगे तो सरस्वती मैया। तो हम दोनों आपको एक सलाह दे रहे हैं कि आप सरस्वती मैया को समय दो, देवी मैया को खुद में खुद बात सब अपने आप उसके साथ आ जाएगी, लक्ष्मी मैया सब आ जाएंगी, देवी मैया लक्ष्मी मैया सब आ जाएंगी, वो आएंगी ये भी वादा है। तो ये भी चलिए बहुत खुशी की बात है। तो सर जैसे आप अब थोड़ा सा बताइए कि अभी जैसे बहुत से हम लोग मेहनत कर रहे हैं या बच्चों का साथ जैसा मिल रहा है, आप बहुत पूरी टीम आप देखते हैं, अपने आपने इस चीज़ को खुद से महसूस किया है, यूपीपी में लोग कहते हैं कि इन्होंने नहीं जी 1 लाख का सबूत, अरे तुम खच्चड़ हो, 14 जनवरी 2018 को हम इसको लेकर आए यूपी पुलिस को, यूट्यूब पर पहले लाने वाले व्यक्ति, किसी ने यूपी पुलिस का यूट्यूब से पढ़ के आप क्लियर कर सकते हो, सपना दिखाने वाले व्यक्ति, यस सर, हमसे 1 लाख वाला व्यक्ति पढ़ा ही नहीं होगा अभी तक, ये तो श्योर है, एक लाख वाला तो नहीं हमारा, 1 लाख बच्चा क्या जो दिन में कोई ना कोई सब्जेक्ट तो 100% पढ़ा होगा, यस सर। अब हाँ तुम्हारे अंदर वो एक आग है कि अरे यार ऐसा क्यों हो पा रहा है, तो आग बुझाने का तो हमारे पास यंत्र है नहीं। तो सर हमने ये सिलेक्शन दिए, आप SSC में बहुत सारे MTS में CGL CPO निकलवाते रहते हैं, इधर आपका रेलवे में ALP टेक्नीशियन, इधर जेई में, आपका इधर ग्रुप डी में, RPF में,
यूपी के और बहुत सारे एग्जाम्स की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं और तो आगे ईश्वर करें कि ऐसे हमें मेहनत मिलती रहे, तो हम इनको इनके लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान से हो जाते हैं कि भाई नंबर नहीं आ रहा, 4 साल हो गई, 5 साल हो गई, घर वालों का भी थोड़ा सा इतना सपोर्ट नहीं हो पाता। उन बच्चों को कुछ आप बात उनको कुछ कहिए, क्योंकि ये पल आपकी लाइफ में भी जरूर आए होंगे। ये सर हर किसी जो भी एक एग्जाम की प्रिपरेशन करता है आदमी, उसकी लाइफ में एक बार डीमोटिवेट वो होता ही होता है। कोई ना कोई ऐसा पल जरूर आता है जब ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ये सब चीज़ें कैसे हम करें, मतलब एक बार बंदा पूरा डीमोरलाइज हो जाता है। ऐसा पल मेरी लाइफ में भी ये खुद आया। मेरा 2016 में सर मैथ का स्कोर 184.5 तो रहा, पर मेरा ओवरऑल स्कोर इतना नहीं बन पाया कि मैं क्लियर कर पाऊँ। मेरा आधे नंबर से सिलेक्शन रह गया सर ओवरऑल होने में। सर जैसे ही 2016 का रिजल्ट आया जिस दिन, उस दिन सर मेरे को तो ये श्योर था कि मेरा सिलेक्शन होना ही है, मुझे मेरे को कोई रोक नहीं सकता इसमें, क्योंकि आधे नंबर का आप सोच भी नहीं सकते कि आधे नंबर से सिलेक्शन रह जाएगा। पर सर जैसे ही रिजल्ट आया आधे नंबर से, मैंने देखा कि यार आधे नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो सर उस दिन मेरे लिए मतलब ऐसा लगा कि यार ये कोई जीवन है, मतलब कि यार इतनी मेहनत, इतना प्रयास करने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना, इतना सब कुछ होने के, इतनी कठोर तपस्या जैसे सर होता है। पर मतलब उस टाइम मैं भी खुद बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हुआ, ऐसे लगा कि नहीं यार सब कुछ छोड़ छाड़ के घर चलते हैं, अपना जो बिजनेस है उसी को अपना लेंगे, क्या है इतना टेंशनबाजी कौन करे, ये सब नहीं हो पाएगा। पर कहीं ना कहीं सर फिर मन में एक ललक ये भी जागी कि तूने ये सब स्टार्ट किया ही क्यों था, तूने ये सब स्टार्ट क्यों किया था जब तूने इसको छोड़ना ही था। तो फिर सर धीरे धीरे ये भी होने लगा कि घर वालों का भी पूरा सपोर्ट मिला, कि घर वाले भी कहने लगे कि यार नहीं तू कर सकता है, चलो एक अंतिम प्रयास और, जैसे मन में भी एक इच्छा जागी कि एक अंतिम प्रयास और, एक लास्ट बार, एक बार करके और देखते हैं कि क्या पता इस बार वो चाबी से ताला खुल जाए, क्या पता यही एक प्रयास भगवान देखना चाहता हो, क्या पता ये अग्नि परीक्षा ही हो कि तुम एक बार क्या देखना चाहते हो कि तुम इतना सहन कर पाते हो या नहीं। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कभी भी मनोबल टूटे तो उस मनोबल को टूटने आपने देना ही नहीं है। आप ये सोचो कि बस एक अंतिम प्रयास और, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। अगर आप उस मंजिल को पा लेते हैं तो आप अकेले सक्सेस नहीं हो रहे हो, आपकी 3 जनरेशन सुधर रही है, आपके पेरेंट्स की, आपकी खुद की और आपके आने वाले बच्चों की, 3 जनरेशन को आप साथ में लेकर चले जाएंगे। और एक बार कठोर तपस्या तो यार करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और अगर आपने वो कर ली तो पूरी जिंदगी आगे की रिलैक्स हो जाएगी, वो आप आगे स्मूथ आगे बढ़ जाओगे। चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। रुकना नहीं है, हाँ। कर्म कर, फल की चिंता ना कर, पालोगे सारी मंजिलें।